नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के अगले चैप्टर फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इस फार्मेसी एक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से जो टॉपिक आज डिस्कस की जाएगी वो हमारा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन इस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा फार्मेसी एक्ट के बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि फार्मेसी एक्ट बनाई जाए और उसे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाए। फार्मेसी प्रोफेशन मेडिसिन्स के साथ डील करती हैं और मेडिसिन्स एक डेंजरस या पॉइजनस सब्सटेंस है जिसकी अपनी थेरापेटिक इफ़ेक्ट भी होती हैं और साथ साथ इसका अपना टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी होता है। मतलब क्या हुआ कि जो पर्संस इस मेडिसिन्स के साथ डील कर रहे हों, जो पर्संस इन मेडिसिन्स को पेशेंट के डिस्पेंस कर रहे हों या जो पर्संस इन मेडिसिन्स की कंपाउंडिंग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं या हैंडलिंग कर रहे हैं, उन्हें मेडिसिन्स का सफिशिएंट नॉलेज, एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो फार्मेसी प्रोफेशन है इसका मेन पर्पस है टू प्रोटेक्ट या टू सेफ गार्ड हेल्थ ऑफ पब्लिक। और यदि कोई पर्सन ऐसा फार्मेसी में एंटर हो गया जिसके पास मेडिसिन्स की नॉलेज नहीं है और वो मेडिसिन्स को डिस्पेंस कर रहा है, तो हमारे जो पेशेंट हैं उनके हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फार्मेसी एक्ट कंस्टिट्यूट की गई, फार्मेसी एक्ट बनाई गई ताकि वही पर्सन फार्मेसी में एंटर कर सके जिन पर्सन्स के पास फार्मेसी की एजुकेशन हो, फार्मेसी की ट्रेनिंग हो, फार्मेसी में स्किल हो टू हैंडल दीज मेडिसिंस। बहुत लोग समझते हैं कि जो फार्मेसी प्रोफेशन है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन एक अनटेक्निकल नॉन टेक्निकल प्रोफेशन है, यहाँ पे किसी तरह की किसी स्किल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सभी को मालूम है कि फार्मेसी एक स्किल्ड प्रोफेशन है जिसके अंदर पर्सन्स के पास सफिशिएंट नॉलेज, सफिशिएंट ट्रेनिंग, सफिशिएंट स्किल हो ताकि वो ड्रग्स की कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज प्रॉपर तरीके से कर सकें। और इन्हीं सही बातों का ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मेसी एक्ट इम्प्लीमेंट की ताकि फार्मेसी के जो स्टैंडर्ड है, फार्मेसी का जो लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का शुरू करते हैं, फार्मेसी एक्ट 1948। यहाँ पे वर्ड है फार्मेसी एक्ट 1948, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फार्मेसी एक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई और जो इसे इम्प्लीमेंट किया गया वो 1948 था। और इसका मेन एम था कि टू रेगुलेट फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, या हम कह सकते हैं टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन ऑफ इंडिया। फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट ने दो गोल या दो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया। मीन्स कि जो फार्मेसी एक्ट फ्रेम की गई उस फार्मेसी एक्ट का जो एम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला एम को लोग कहते हैं या पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू वुड बी फार्मासिस्ट थ्रू आउट इंडिया। कि इंडिया के अंदर जो भी पर्सन फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं उन्हें एक एजुकेशन और एक ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना होगा, और ये जो एजुकेशन है
और ये ट्रेनिंग है थ्रू आउट इंडिया यूनिफॉर्म होगी, मतलब कि स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में फार्मेसी का स्टडी कर रहा हो, किसी भी बोर्ड के अंदर हो, किसी भी स्टेट के अंदर हो, जो क्यूरिकुलम होगी, जो एजुकेशन की क्यूरिकुलम होगी, उनका जो एकेडमिक पार्ट में जो क्यूरिकुलम होगा वो यूनिफॉर्म होगा, जबकि ऐसा किसी दूसरे ब्रांच के साथ नहीं है। जैसे सपोज करें कोई पर्सन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो उनकी क्या क्यूरिकुलम है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। नतीजा क्या होता है कि हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक यूनिवर्सिटीज़ से जो पास आउट इंजीनियर्स हैं उनका अलग अलग स्टैंडर्ड होगा, अलग अलग लेवल होंगे, अलग अलग नॉलेज होंगे। लेकिन जब हम फार्मेसी प्रोफेशन की बात करेंगे तो वो फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर फार्मेसी एजुकेशन की बात करेंगे तो जो पर्सन फार्मेसी स्टडी कर रहा है वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, उन्हें एक यूनिफॉर्म क्यूरिकुलम को फॉलो करना है। मीन्स कि जो हम हरियाणा के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जो हम पंजाब के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जो हम मध्य प्रदेश में स्टडी करेंगे, जो गुजरात में स्टडी करेंगे, तमिलनाडु में करेंगे, असम में करेंगे, या किसी भी स्टेट में हम फार्मेसी स्टडी कर रहे हों, तो उनका जो एजुकेशन का जो क्यूरिकुलम होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मीन सभी यूनिवर्सिटी, सभी बोर्ड और सभी स्टेट्स को एक यूनिफॉर्म क्यूरिकुलम को फॉलो करनी होगी। स्टेट या यूनिवर्सिटीज़ या बोर्ड अपनी तरफ से कोई फार्मेसी क्यूरिकुलम डेवलप नहीं कर सकते। और ठीक इसी तरह से जो फार्मेसी प्रोफेशन में जो ट्रेनिंग होगी, जो स्टूडेंट फार्मासिस्ट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उस ट्रेनिंग का भी जो स्टैंडर्ड होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा। मीन्स किसी भी स्टेट में आप ट्रेनिंग करें, उनकी जो क्वालिटी होगी, जो स्किल डेवलपमेंट होंगी, वो सारी की सारी एक जैसी होगी। तो इस फार्मेसी एक्ट का पहला एम है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एडुकेशन एंड ट्रेनिंग टू वुड बी फार्मासिस्ट थ्रू आउट इंडिया। इसी फार्मेसी एक्ट का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू कंट्रोल ओवर पर्संस एंटरिंग इन द फार्मेसी प्रोफेशन, कि जो फार्मेसी प्रोफेशन है, इस फार्मेसी प्रोफेशन में जो भी पर्सन एंटर कर रहे होंगे उनके ऊपर गवर्नमेंट की कंट्रोल होगी। मीन्स कि जो पर्सन फार्मेसी में एंटर करेंगे उनके पास सफिशियंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सफिशियंट स्किल होनी चाहिए, सफिशियंट नॉलेज होनी चाहिए, और तभी वो पर्सन इस फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। मीन्स कि जैसे सपोज करें कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो वहाँ पे कोई भी पर्सन, उनके पास कंप्यूटर का बीटेक डिग्री हो, कंप्यूटर का इंजीनियरिंग डिग्री हो, वो MCA कर रखा हो, BCA कर रखा हो, या किसी प्राइवेट संस्था से एक ट्रेनिंग कर रखे हो, और वो बहुत आसानी से कंप्यूटर प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल या कोई रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन जब हम फार्मेसी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती है कि जिस पर्सन के पास सफिशियंट डिग्री है, डिप्लोमा है, फार्मेसी की डिग्री है, फार्मेसी का डिप्लोमा है, और उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग कर रखी है, तभी वो फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करेंगे। अब ये जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे इस फार्मेसी एक्ट के अंदर दो प्रोविजन दी गई। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया, और इसके लिए एक्ट में एक प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक काउंसिल बनाएगी और उस काउंसिल का नाम होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है फार्मेसी एक्ट की है कि टू कंट्रोल ओवर पर्संस एंटरिंग इन द फार्मेसी प्रोफेशन थ्रू आउट इंडिया। इसके लिए फार्मेसी एक्ट में एक प्रोविजन है कि हर स्टेट गवर्नमेंट एक काउंसिल फ्रेम करेंगी और उस काउंसिल का नाम होगा
स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल एश्योर करेगी कि वही पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर एंटर करेंगे जिस पर्सन के पास से सफिशियंट डिग्री या सफिशियंट सॉरी जिस पर्सन के अंदर फार्मेसी की डिग्री या फार्मेसी का डिप्लोमा है। तो आज जो हम लोग स्टडी करेंगे इस फार्मेसी एक्ट के अंदर, जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में हमें फिर दो सब टॉपिक है। पहला सब टॉपिक है कंस्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और दूसरा सब टॉपिक है फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ये जानेंगे कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूशंस एंड कंपोजिशंस ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कंस्टिट्यूट करती हैं और इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और वो टॉपिक हमारा है कंस्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसका एक और नाम है, उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल काउंसिल। और ये जो सेंट्रल काउंसिल है ये बनाई गई है किस लिए, कि टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया फॉर वुड बी फार्मासिस्ट। और इस यूनिफॉर्म एजुकेशन के लिए, यूनिफॉर्म ट्रेनिंग के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक एजुकेशन रेगुलेशन को बनाएगी और उस एजुकेशन रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट भी करवाएगी इन द कंट्री, इन बोर्ड्स, इन यूनिवर्सिटीज और इन स्टेट्स। समझ गया आगे हो गया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कि टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया फॉर वुड बी फार्मासिस्ट। और फॉर दिस पर्पस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशन एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस एजुकेशन रेगुलेशन थ्रू आउट इंडिया। अब जो ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, ये काउंसिल 5 साल के लिए कंस्टिट्यूट होती हैं। 5 साल के बाद ये काउंसिल डिसॉल्व कर दी जाती हैं और फिर दूसरी काउंसिल बनेगी, उसके अंदर फिर से नए मेंबर्स एलेक्ट या नॉमिनेट होंगे। मीन्स क्या हुआ कि एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना, वो 5 साल तक काम करेगा, 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाएंगे और फिर दूसरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट होंगी। फिर वो 5 साल तक बन काम करेंगी, 5 साल के बाद वो फिर डिसॉल्व हो जाएंगी, फिर अगली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट होंगी। तो जो सबसे पहला फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट हुआ था 1949 में, मीन्स कि फार्मेसी एक्ट 1948 में इम्प्लीमेंट हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कंस्टिट्यूट कर दिया। अब हम लोग जानेंगे कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कितने तरह के होंगे। तो इसमें जो भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को हम लोग 3 या 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग कहेंगे इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरे कहेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स, तीसरे को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, और चौथे को कहेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। मेनली 3 हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो। लेकिन इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर 4 तरह के मेंबर होंगे। दे आर द इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स, कि कौन कौन से पर्सन्स हैं जो इलेक्ट होके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स बनेंगे। जो इलेक्टिंग बॉडी है वो इलेक्टिंग बॉडी है
एक हमारा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दूसरा हमारा है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और तीसरा हमारा है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मीन्स कुछ मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इलेक्ट होंगी, कुछ मेंबर हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा इलेक्ट होंगे, और एक मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट होगा। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा आ गया, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए एक कमीशन बनाई गई, और उसका नाम दिया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में UGC भी कहते हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इस ये 6 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। इनमें से एक में जो भी 6 मेंबर इलेक्ट हो रहे हैं, उन 6 में से कम एक टीचर इन सब्जेक्ट्स का होना चाहिए, कि वन टीचर ऑफ फार्मेसी, वन टीचर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वन टीचर ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी। मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इलेक्ट 6 मेंबर्स, अमोंग दीज देयर शुड बी एटलीस्ट वन टीचर ऑफ फार्मेसी, वन टीचर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वन टीचर ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड वन टीचर ऑफ फार्माकोलॉजी। दूसरा बॉडी हमारा हो गया, दैट इज द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती हैं, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के भी अपने मेंबर्स होंगे। ये सभी मेंबर्स मिल करके आपस में से या अपने आप में से ही किसी एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे। मीन्स हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने यहाँ से एक एक मेंबर को इलेक्ट करेगा, और वो मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर भी होगा। मीन्स इनके पास दोनों जगह की मेंबरशिप होगी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की भी मेंबरशिप होगी, और इसके साथ साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की भी मेंबरशिप होंगी। और ठीक इसी तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स आपस में मिलकर के किसी एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे, और ये मेंबर हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मेंबर होंगे। मीन्स इनके पास भी दो मेंबरशिप होगी, एक तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, और दूसरा हो गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इलेक्ट 6 मेंबर्स, अमॉन्ग दीज एटलीस्ट देयर शुड बी वन टीचर ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी। ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर्स इलेक्ट वन मेंबर एंड ही विल बी द मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल्सो। सिमिलरली मेडिकल मेंबर्स ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्ट वन मेंबर, एंड दैट मेंबर शुड हैव ऑल्सो मेंबरशिप ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से हैं। दूसरा पॉइंट है, दैट इज द नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब देखें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करती हैं, जो हर स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे वो एक मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं वो भी एक मेंबर को नॉमिनेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 6 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा, और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे इनके पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो फार्मेसी प्रोफेशन में इंगेज भी होने चाहिए। मीन्स वो फार्मेसी प्रोफेशन में कहीं ना कहीं इंगेज होंगे। ठीक इसी तरह से हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को नॉमिनेट करेगी, हर एक यूनियन टेरिटरी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को नॉमिनेट करेगी।
मीन्स नॉमिनेशन कहाँ कहाँ से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और यूनियन टेरिटरी से। सेक्टरल गवर्नमेंट 6 मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहे हैं, इनमें से कम 4 के पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और फार्मेसी प्रोफेशन में इंगेज होना चाहिए। हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को नॉमिनेट करेगा और हर यूनियन टेरिटोरी भी एक एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को नॉमिनेट करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आ गया, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स। इस रिप्रेजेंटेटिव्स को समझने से पहले थोड़ा सा ये जानते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स का क्या मतलब है, नॉमिनेटेड मेंबर्स का क्या मतलब है और रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या मतलब है। यहाँ कन्फ्यूजन नॉमिनेटेड मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स में हो सकता है। वेरी सिंपल, जब वर्ड यूज कर रहे हैं इलेक्टेड मेंबर्स मीन्स पर्संस इलेक्ट हो रहे हैं बाय वोटिंग, कि वोट की वोटिंग की गई और वोटिंग में जिनको ज़्यादा वोट मिला वो पर्सन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बन गए। नॉमिनेटेड का मतलब क्या हुआ कि कोई एक अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी ने किसी एक पर्सन का नाम रिकमेंड कर दिया और जिस पर्सन का नाम वो रिकमेंड करेंगे वो पर्सन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बन जाएगा। तीसरा पॉइंट आ गया रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ पर भी अथॉरिटी नेम को रिकमेंड कर रहे हैं, नॉमिनेशन में भी रिकमेंडेशन है, रिप्रेजेंटेटिव्स में भी रिकमेंडेशंस हैं। दोनों में फ़र्क क्या आ गया कि जब हम वर्ड यूज करें रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब हो गया कि जो पर्सन रिकमेंड हो रहे हैं ही इज पार्ट ऑफ दैट ऑफिस। लेकिन जब हम वर्ड यूज करेंगे नॉमिनेशन तो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ही इज़ द पार्ट ऑफ दैट ऑफिस। मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहा है, इट डजेंट मीन कि वो मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के पार्ट है। वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, कोई भी पब्लिक या कोई भी प्राइवेट पर्सन हो सकते हैं। फिर सिर्फ क्या कहा गया कि ही शुड बी हैव डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे मतलब क्या हुआ कि जिस पर्सन का नाम रिकमेंड किया जा रहा है ही इज पार्ट ऑफ दैट ऑफिस। मीन्स अब यहाँ पे दो बॉडी हैं, एक हो गया UGC और दूसरा हो गया AICTE मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उनके तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर होंगे, और ठीक उसी तरह से ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के भी एक पर्सन होंगे, एक का नाम रिकमेंड किया जाएगा एंड ही विल बी द मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हम उन्होंने स्टडी कर लिया कि कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कौन कौन से नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब यहाँ पे वर्ड है एक्स ऑफिशियो। इस एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है? एक्स ऑफिशियो का मतलब हो गया कि सपोज करें कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट है, एक अथॉरिटी है और उस पोस्ट या उस अथॉरिटी पे जिस पर्सन की अपॉइंटमेंट होगी वो पर्सन ऑटोमेटिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हो जाएगा और हम ऐसे मेंबर कहेंगे ही इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। और ये तीन होते हैं, एक उन्होंने कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दूसरा हमारा है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और तीसरा हमारा है डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा आ गया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया का कौन होगा? जो मेडिकल प्रोफेशंस की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लेवल्स हैं। जैसे पहला लेवल हो गया गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है, फिर हो गया गवर्नमेंट सिविल सर्जन है, फिर हो गया ये CMO हैं, मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट का जो जितने गवर्नमेंट्स हैं उनके जो हेड्स हैं उन हेड्स को हम कहते हैं
सिविल सर्जन, स्टेट के अंदर जितने भी सिविल सर्जन्स हैं उनके जो हेड्स हैं उन हेड्स को कहते हैं CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, और जितने भी इंडिया के अंदर CMO हैं उन सभी का जो हेड होगा उसे हम कहेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो जो भी पर्सन अपॉइंट होंगे एज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ही विल बिकम एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट आ गया ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। अब हमारी जो फार्मेसी प्रोफेशंस के अंदर जो गवर्नमेंट सेटअप है वहाँ पे क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, और इस तरह से करते हुए एक स्टेट का स्टेट ड्रग कंट्रोलर होगा। और इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं और उनके जितने भी स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं उन सभी का हेड एक होंगे और उसे हम कहते हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। अब जो भी पर्सन्स ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट होंगे वो ऑटोमेटिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मेंबर बन जाएंगे और उन्हें हम कहेंगे ही इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। और तीसरा पॉइंट आ गया डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अब गवर्नमेंट की सेटअप में जो ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी एनालिसिस और टेस्टिंग करने के लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ एक लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश करती हैं और वो उस स्टेट गवर्नमेंट उन स्टेट्स के अंदर जो भी ड्रग्स सेल हो रहे हैं उनकी वो टेस्टिंग और एनालिसिस करती हैं। हर एक स्टेट्स के अंदर ये ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी होंगी और इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक ड्रग लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश करती हैं और उसका नाम होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कोलकाता में एस्टेब्लिश्ड है। तो जो भी पर्सन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होगा ही विल बी द मेंबर ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से हो गए, नंबर वन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नंबर टू ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, एंड नंबर थ्री डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अब यहाँ पे दो ऑफिसर्स हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वो चाहे तो खुद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन सकते हैं या किसी भी दूसरे पर्सन्स को जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उनको ऑथोराइज कर सकते हैं टू बी ए एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ PCI। ठीक इसी तरह से जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है वो खुद इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर बन सकते हैं या उनके अंडर जो पर्सन वर्किंग कर रहे हैं उनमें से किसी एक पर्सन को ऑथोराइज कर सकते हैं, दैट विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इस तरह से हम लोगों ने ये स्टडी किया कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कौन कौन से मेंबर्स होंगे। इसके अलावा इसी कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन में और भी टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक हमारी हैं रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी ऑब्जर्व्ड बाय दीज मेंबर्स। चूंकि ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई इसलिए हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले क्लास में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि वैसा वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन मेंबर्स को फॉलो करना होता है। तो क्लास को समाप्त करने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपने इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कि फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया एंड टू कंट्रोल ओवर पर्सन्स एंटरिंग इन फार्मेसी प्रोफेशन। इस फार्मेसी एक्ट में एक प्रोविजन है टू फ्रेम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को फ्रेम किया गया किस लिए कि टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया। और उनके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स।
मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होंगी, आपका इंटरेस्ट बना होगा और आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुना होगा। यदि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, इससे पता चल रहा है कि आप इंटरेस्टेड हैं अपने इस स्टडी में। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।